नाजरीन, ये है रेडलाइन और आज हैं हम लाइव। इमरान खान ने पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन की रेस लगा दी है अपने केसेस के साथ। जूं जूं केसेस के अंदर तेजी आती जा रही है तो उनकी प्लानिंग के अंदर भी तेजी आती जा रही है। वो कह रहे हैं कि 20 दिसंबर के करीब करीब पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन का फैसला हो जाएगा। इसके बराबर में उनके केसेस लगे हुए हैं जिनमें से बहुत सारे कल्मिनेट कर सकते हैं इसी दौरान। आज हमने प्रोग्राम के अंदर ये तजिया करना है कि इमरान खान के केसेस वाकईतन कितने संजीदा हैं, इससे उनको सियासी तौर पर कितना रंज और ख़तरा महसूस हो सकता है और कितने केसेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही चलते हैं जैसे इमरान खान के खिलाफ चल रहे हैं। पंजाब असेंबली की अगर डिसोल्यूशन होती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी दुख्तर मरियम नवाज के साथ वापस आएंगे या नहीं। याद रहे कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात अगर जल्दी होते हैं तो कौमी असेंबली उस वक्त इंटैक्ट होगी। नून लीग की स्ट्रेटजी क्या है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं अभी करवा देता हूँ। ये भी आपको बता देता हूँ कि इमरान खान जो हमें हर दूसरे जुमले में रियासत मदीना का हवाला देते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मिसालें देते हैं, बताते हैं कि कैसे चादरों का भी हिसाब देना पड़ता है और वजाहतें करनी पड़ती हैं। अब उन्होंने 137 मरतबा KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। KPK हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि 2008 से लेकर अब तक जितनी मरतबा भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है उसका अब कोई हिसाब नहीं होगा। इसके बाद भी आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, रेंट कर सकते हैं, लोग इसके ऊपर आ जा सकते हैं, पूछ प्रतीत नहीं होगी। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हंगामा हुआ। हमारे पास अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक साहब आएंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में। हम परवेज़ इलाही साहब की वफादारियों का भी जिक्र करेंगे। परवेज़ इलाही साहब को न जाने क्या हो गया, रोज़ाना एक ट्वीट फेंक रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं। शायद उन्होंने अंदाज़ा कर लिया है कि इमरान खान ट्वीट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, सियासत के अंदर बाकी जो पेचोखम है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो परवेज़ इलाही साहब की कायदा जो है उसका भी हम अहाता करेंगे और साथ सलमान शहबाज को जो सोशल मीडिया पर वेलकम मिल रहा है उसका भी जिक्र करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं मतीउल्लाह जान को, सीनियर सहाफ़ी तज़ज़ियाकार। आपका बहुत शुक्रिया मतिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल कयूम सदीकी साहब सहाफ़ी तज़ज़ियाकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, ज़ुबैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा मैं अपने मेहमान जो स्टूडियो में बैठे हैं इनके सामने ये नुक्ता रख दूँ। इमरान खान के खिलाफ केसेस की भरमार है, जो लिस्ट मेरे सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत का केस, टेरियन वाइट का केस, तोशाखाना का केस जिसका फैसला 15 दिसंबर को सुनाया जाएगा, फॉरेन फंडिंग का केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स का केस, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस, इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का केस, ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी खराजात जमा कराने का केस, साइफर आइडियोलिक जो FIA तहकीकात कर रहा है, लिस्ट तवील है। सर मैं मती आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ये लिस्ट देखते हैं तो इसमें से सबसे भारी भरकम और ख़तरनाक केस आपको कौन सा लगता है? देखें, ख़तरनाक केसेस जो पाकिस्तान की सियासत में पिछले तकरीबन 6 साल से हम देख रहे हैं उनमें सबसे ख़तरनाक तो पनामा का केस था जिसमें एक वज़ीर आज़म फारग हो गए थे। ठीक, अब जो मौजूदा केसेस हैं अगर उनमें से हम ख़तरनाक केस ढूंढ रहे हैं तो क्या ख़तरनाक होगा? इसमें कोई वज़ीर आज़म तो भी निशाने पर है नहीं। ठीक, एक सियासतदान है, अपोजिशन का सियासतदान है, इमरान खान है, मगर ऑब्वियसली उनके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें उनकी ताहयार नाअहली भी हो सकती है और उनको जो आने वाले इलेक्शन हैं उस हद तक भी उनको रोका जा सकता है इलेक्शन लड़ने से। तो उसमें मेरे ख्याल में तोशाखाना केस जो है जिसका एक लोकल कोर्ट ने फैसला महफूज किया इस सवाल पर कि क्या तोशाखाना केस जो रेफरेंस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेशन कोर्ट को वो काबिल सवाल है भी या नहीं। ठीक, और यह भी बड़ा इब्तदाई मरहला है, तो ये भी एक किस्म का मैं वाज़े पैगाम है। मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा ये काबिल समाप्त हो गया एंड वंस द बॉल इज सेट रोलिंग तो इट विल बी इरिवर्सिबल। ठीक, सो एक ऑप्शन है जो भी इसको समझता है कि भाई आपने जो फैसले करने हैं आइंदा आने वाले दिनों में तो वो सोच समझ के फैसले करें, क्योंकि जब तोशाखाना केस काबिल समाप्त हो गया तो फिर इसको रिवर्स नहीं गेयर नहीं लग सकेगा और ये मामला आगे ही जाएगा। और आगे ही जाने का मतलब ये है कि फिर जिन इलेक्शंस के लिए इमरान खान सब तड़प रहे हैं और जिन इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और जो हुक्मरान इत्तेहाद है बहुत बड़ा स्टेक्स है,
पंजाब असम्बली का तहलील होना कोई मामूली बात नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन होगा, सिर्फ पंजाब का नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ तोशाखाना केस बहुत अहम है और इसके अंदर जो वाक़यात हैं और जो हालात हैं, जो शवाहद और सबूत सामने आए हैं, वो भी काफ़ी मजबूत हैं। इस पर मैं आऊँगा कि शवाहद क्या है, सबूत क्या है, केस का वजन क्या है, लेकिन आपने तोशाखाना का केस पिक किया, क्यूम आप बताइए। देखिए, जो तोशाखाना का है उसमें अभी ट्रायल होना है, एविडेंस आनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना, तो इट विल टेक टाइम। ठीक, तो इस पे फौरी तौर पे तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक आप वो नहीं हो सकता कि उस पे कोई फौरी जजमेंट आ जाएगी 20 दिसंबर की डेडलाइन को सामने रखते हुए। ठीक, तो वो मुझे इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो केस लगता है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मौजूद है, जो कि साजिद कियानी साहब का है, अटारियन जेड खान का पेरेंटहुड का जो केस है, उस केस की रिपरकशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत आगे तक जाएंगी। अगर आप इसको देखते हैं कि जैसा कि उनके वकील का मौक़िफ़ है कि इन्होंने जो है वो बच्ची की वल्दियत छुपाई है, वो उनकी बच्ची है और वो बच्ची को उन्होंने ओन नहीं किया है, तो ये मिस डेक्लेरेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का केस है। इसको आप इक्वेट करें पनामा एक जजमेंट जो है उसमें, कि वहाँ पर भी वहाँ पे तो चलें स्क्रीनशॉट की बुनियाद पे कि एसेट्स और तनख्वाह उसको एसेट और फिर उसके बाद ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी, बट यहाँ पे तो जो है वो आपको शायद ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो अब इसकी प्रेसिडेंट उस पर भी ज़ाहिर है कि पीरियड मिशन नोटिस तो कर दिया है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमने जो अदालतों को देखा है उसमें अदालत ने अगर इस मुकदमे को डिसमिस करना होता इस बुनियाद पर कि पहले भी लोग आ चुके हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये डिसमिस हो जाता, लेकिन इसकी जजमेंट रिजर्व होना दैट इज़ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वो ऐसा केस है जो डे टू डे बेसिस के ऊपर तीन दिन में और एक्सप्लोसिव केस हो सकता है। इसमें जजमेंट अभी रिजर्व नहीं हुई, अभी प्री एडमिशन नोटिस है और बिल्कुल वैसे ही है कि ये काबिले समाध है भी या नहीं, नहीं तो दोनों केसेस में अभी तय नहीं हुआ कि समाध होनी है या नहीं। मेरे ख्याल में ये दोनों एक्सप्लोसिव 20 दिसंबर के बाद ये तय होगा। मुझे जरा जुबैर साहब के पास जानने की, जुबैर साहब अभी मतीउल्लाह जान ने जिक्र किया कि पंजाब का जो इंतखाब है अगर वो होता है असम्बली की तहलील के बाद तो वो कोई छोटा इंतखाब ज़ाहिर नहीं होगा, और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपकी पार्टी की जो बुनियादी बेस है वो पंजाब में है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी तैयारी क्या है, कि आप इस पे तकिया किए बैठे हैं कि इमरान खान केसेस के अंदर जो आम सा सड़क का लफ्ज़ है ठुक जाए, या आप इस पे तकिया किए बैठे हैं कि इंतखाबात होने दीजिए, हम कैंपेन चलाएंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, मरियम नवाज जो आके कैंपेन चलाएंगी और हम एक ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे, या दोनों पर आप इन्हिसार करें। गो अहेड जुबैर साहब के साथ लाइन करती है, वापस आइएगा जरा मती। इमरान खान इन तमाम केसेस को क्या संजीदगी से ले रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, हम जरा उनके स्टेटमेंट के तजिए से, लगता यूँ है कि शायद इसके बारे में वो फोकस्ड ही नहीं है, उनका जो बयानिया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, ट्वीट्स के जरिए, वो यही है कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये ख़राब हैं, और मैं बुनियादी तौर पर बिल्कुल साफ सुथरा हूँ तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह इमरान खान का एक सियासी पस मंसर है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पावर सेंटर कहाँ है और कौन है, और इसीलिए वो उनका मुखातिब हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिशमेंट होती है, और वह शायद अभी भी कहीं से उनको ये एतमाद ज़रूर है कि अगर कुछ भी ना हो सका तो फिर हाँ कर देंगे, फिर बात कर लेंगे, फिर बात मान जाएंगे, तो कोई ना कोई ज़रूर उनको एक कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि भाई देख लें, और वो सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट पर कि भाई इलेक्शन कराएं। अब देखना ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन में दिलचस्पी रखती है, और वो भी अर्ली इलेक्शंस में। मेरे ख्याल में अब ये फैसला करना तो सिविलियन गवर्नमेंट ने है, लेकिन कहीं ना कहीं से इमरान खान को ये एतमाद ज़रूर मिल रहा है कि जो फैसला करना है वो आपने करना है, और अदालतों में जो केस लगे हुए हैं ये तो सिर्फ आप जानते हैं, ये आपके उस फैसले तक रहेंगे जिस फैसले के बाद जो है मुल्क में थोड़ा सा इतनी मतानत के साथ एस्टैब्लिशमेंट अगर उनको ये बातें बता रही हो तो इनको समझ आती है। लेट मी गो टू ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आवाज़ आ रही है। माजरा चाहते हैं आपके साथ, हमने सवाल बड़ा लंबा चौड़ा मैंने फेंका, वो लाइन ही कट गई, आपने सुना नहीं, मैं उसको मुख्तसर अंदाज से बयान करता हूँ। आपकी पोलिटिकल स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है, अदालतों से इमरान खान के केसेस का नतीजा,
या पंजाब में मुकम्मल तौर पर इंतखाबात की तैयारी? गो अहेड। एक तो मैं तो बिल्कुल पर्सनली इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता। वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद इमरान खान इन द कोर्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनको छोड़ देना चाहिए। इमरान खान को जितनी भी चीज़ें उन्होंने की हैं, कल चीज़ें की हैं, उसकी जो भी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, बट PMLN इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल राइवल्स के साथ पॉलिटिकल फील्ड में ही मुकाबला करना चाहिए। ये शो करना कि जी वो अभी उनको ये सज़ा हो सकती है और ये सज़ा हो सकती है, इसका मतलब ये है कि हम हाथ उठा दिए हमने और हम ये कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकली इसका मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान से। अगर किसी तरह से इसको आप फिट कर दें इधर उधर तो फिर हम एक हमारे लिए इवन प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। जो भी उसके साथ हो वो कानून के साथ के हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज हमने इन द पास्ट सफ़र किया है और एक दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा चार दफ़ा सफ़र किया है ओवर द लास्ट 30 ईयर्स के जी आप। और वैसे भी जनरली पाकिस्तान में देखा है कि जी भुट्टो साहब को उन्होंने नॉट सिर्फ निकाला हुकूमत से बट जान भी ले ली, वो आज भी भुट्टो जिंदा है। तो वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल राइवल्स का मुकाबला पॉलिटिकल फील्ड में ही करना चाहिए और हम हमारी अपनी स्ट्रेटजी पंजाब के हवाले से या पूरे पाकिस्तान के हवाले से उसी बेसिस पर है कि हमारा जो मेन पॉलिटिकल राइवल है वो इमरान खान है, उसके साथ हमने मुकाबला करना है और उसके लिए हमने डिलीवर करना है और एक बयानिया बनाना है जो कि इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को तहस नहस करे। उनके जो उन्होंने बयानियाँ बना के जो गद्दारी और तमाम इल्ज़ामात लगाए और साजिश का इल्ज़ाम लगाया, तो हमारा हम समझते हैं कि वो हम उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे काफ़ी हद तक। कथा कलामी होती है आपकी ज़ुबैर साहब। मैं आपकी इतनी ईमानदाराना सियासत के ऊपर आपको सलामी पेश करता हूँ, लेकिन हम ज़ाहिर है ये भी जानते हैं कि इमरान खान के साथ अदालतों के ज़रिए जो कुछ होगा उसके बहुत बड़े सियासी नतायज निकलेंगे, और अगर आपने उसको सियासी जाविये से ही देखना है तो ज़ाहिर है आपकी पार्टी उसका बेनिफिशियरी होगी। नवाज शरीफ के साथ अदालतों के ज़रिए क्या हुआ उसका बेनिफिशियरी आपको पता है कौन है। तो अगर आप ये स्टैंड लें कि फ्रेंकली हम तो कंधे उछका के बैठे हुए हैं और हम तो दूसरी तरफ देख रहे हैं, हमसे सियासी पहाड़ को देख रहे हैं और ये जो खाई है इमरान खान के लिए ये हमारी नज़र में नहीं है, तो बात कोई बनेगी नहीं ना। आप देख तो रहे हैं, ख्वाहिश भी आपकी होगी कि इमरान खान साहब ठुक जाए किसी तरीके से कि नहीं। एक सेकंड तलत, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर बेनिफिशरी का मतलब यह है कि इमरान खान हुकूमत में आ गए थे तो वो ठीक है, लेकिन हम नहीं समझते कि बेनिफिशियल होने का मतलब ये है कि जी आप हुकूमत में आ सकेंगे उसकी वजह से, ये नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त इमीडिएट फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पॉलिटिक्स। और ज़ुबैर साहब, सात इलेक्शन लगे हुए हैं, 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने हैं, कौन से लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हैं? इट इज द शॉर्टेस्ट टर्म दैट यू कुड थिंक ऑफ। तो हमने बार बार ये कहा है कि इमरान खान अगर समझते हैं, अगर वो समझते हैं, जो मैं समझता हूं कि वो नहीं करेंगे, वो फाइनल स्टेप नहीं उठाएंगे पंजाब असेंबली तोड़ने के, हमने कब कहा है कि हम नहीं मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने, आपने अगर सुना होगा, हम हर जगह कन्वेंशंस वगैरह करने शुरू कर दिए हैं पंजाब में, और उसकी वजह यही है कि अगर वो स्टेप अल्टीमेट स्टेप लेता है तो फिर हमें रिएक्ट तो करना है ना, और पॉलिटिकली रिएक्ट करना है, वो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। लीगल केसेस पे क्या होता है उसके पॉलिटिकल नतीज निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। ये जरा पैनलिस्ट से भी सुनते हैं, आपके इनसार करना चाहिए कि जी वो पॉलिटिकली उसको किसी ना किसी तरह से मैदान से बाहर कर दे। नवाज शरीफ को मैदान से बाहर किया था ना, जेल में भी भेज दिया था, सब कुछ कर लिया था, क्या हुआ, कोई फायदा हुआ? आज वो फिर सबसे बड़े लीडर बनकर सामने है। कमाल हो गया आपको, 4.5 साल आपकी जो धुनाई हुई है तो आप भूल गए हो उसको, काफ़ी नुकसान हुआ आपको। बल मैं ज़रा पैनलिस के पास लेके आता हूँ। ये क्लासिक PMLN पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, विच इज़ कि यार ये मामला जो है अदालतें और इमरान खान और बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का है, हमने तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये कि इमरान खान डिसक्वालीफाई होना, उन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो क्या होगा, मेरी पार्टी नहीं जीतेगी। इमरान खान बहुत अच्छा विक्टिम प्ले करते हैं, उनसे बेहतर विक्टिम जो है वो जो आप फिक्शन लिखाने वाले भी जो नहीं कर सकते। तो इस वक्त अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हिज
पॉलिटिक्स विल गो अप बिग वे, नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें अब अगर आप देखें ग्रेजुअली जो 8-9 माह की उनकी कैंपेन थी क्यों निकाला के बाद वाली हकीकी आज़ादी वाली, वो कल्मिनेट कहाँ पे आके हुई है? मतलब वो तो एक बहुत बड़ा लेके आए थे, लेकिन फिर उसके बाद उनका ये इस तरफ आना, फिर यहाँ पे अभी बहुत सारे मामला हैं, वहाँ पे कितने लोग आए थे, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल पे. अब अगर वो विक्टिम बन जाते हैं, देखें उनके वोटर के लिए कि हमारे लीडर को आपने, नवाज शरीफ के जहन में रखिएगा, नवाज शरीफ को निकाला गया तो उसके बाद नवाज शरीफ का वोटर जो है तमाम तर मुझे क्यों निकाला और बताए बगैर बाहर चले गए, इसके बावजूद उनका वोटर उनके साथ खड़ा रहा. तो इमरान खान का वोटर मोटिवेट भी होगा, उसका पार्टी वर्कर साथ भी खड़ा होगा, वो बेनिफिट करेंगे इससे. एक पॉइंट भी है, आप ये देखें ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो किन चीज़ों पे कमेंट करते हैं इस किस्म की जो केसेस से मुतालिक हैं. एक तो वो करते हैं कि उनको नाहल कर दिया जाएगा, पहले वो ये कहते जा रहे हैं, और दूसरा जो है वो जब घड़ी वाला मामला आता है उसके ऊपर वो डिफेंस में आते हैं फराख जो है उनके. तो ये दो चीज़ें जो हैं ये उनको परेशान किए हुए हैं. और फिर उसके बाद आप ये देखें ना कि कहते हैं कि जनाब 27 किलोमीटर की हुकूमत है, उस 27 किलोमीटर की हुकूमत लेने के लिए आप इतना बड़ा जो है वो कड़माश क्यों क्रिएट करके बैठे हैं, जबकि आप खुद सूबाई हुकूमतों के अंदर हैं. तो नाअहली जो है इमरान खान को डैमेज करेगी, डैमेज करेगी, बिल्कुल. योर टेक ऑन दिस? देखें ये किसी हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान के गिर्द जो इलेक्टेबल्स का घेरा है वो इलेक्टेबल्स भी ये देखते हैं कि अगर उनकी पार्टी का सरबरा ही नाअहल हो जाता है तो फिर उसका क्या रोल होगा इलेक्शंस के अंदर. वो कोशिश तो ये ज़रूर करेंगे कि इमरान खान अगर विक्टिम प्ले करते हैं तो उसका फ़ायदा वो इलेक्टेबल्स उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, मगर फिर जब लोगों को ये मालूम होगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे और वज़ीर आज़म असद उमर होंगे या शाह महमूद कुरैशी होंगे या वो फैसल जावेद होंगे या फवाद चौधरी होंगे, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा वोटर्स के लिए भी और उन इलेक्टेबल्स के लिए भी कि जो कि इमरान खान के गिर्द होंगे. तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, ना सिर्फ ये कि पीटीआई के जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके लिए, बल्कि आम लोगों और आम शहरीों के लिए भी कि वो एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिसका वज़ीर आज़म वो नहीं होगा जिसके लिए वो वोट डाल फिर रहा. ज़ुबैर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ सियासी तौर पर, अगर टेरियन जेड नाहली अगर होती है तो फिर वो इसके ऊपर इलेक्शन में क्या बयानियां बनाएंगे? ये बड़ी दिलचस्प बात होगी. कुछ ना कुछ बना लेंगे. बारह ज़ुबैर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ इमरान खान साहब का माजी जानते हुए और वो किस तरह हर मामले को अपने एडवांटेज में घुमाते हैं, अगर अदालतों से उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो आपके ख्याल में उनके ऊपर ये चीज़ चिपकेगी या वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानते हुए कि अदालतों से जो फैसले होते हैं सियासी तौर पर लीडरान को, जिस तरह आप खुद ही अभी फरमा रहे थे, बाज़ औक़ात आसमान की तरफ भी ले जाते हैं? एक्चुअली इंसाफ के तकाजा तो ये है कि जो 2018 में हुआ था उसका रिवर्स होना चाहिए. मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो इमरान खान को इंसाफ का तकाजा तो ये कहता है इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ कम्पेन कर रहे हों और इमरान खान डिस्क्वालीफाई होकर अंदर बंद हो, तो फिर मेरा ख्याल है इंसाफ होगा बराबर. लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है ये तो कम से कम होना चाहिए ना, जो आपने कहा 4 साल जो हमारे साथ तबाही हुई है, तो कुछ तो बराबर होना चाहिए ना, इंसाफ तो होना चाहिए और देखना भी चाहिए लोगों को. आप तो दबी दबी सी ख्वाहिश तो है ना, देखे आपको पता, ज़ुबैर साहब आपको पता है हम स्टूडियो में बैठ के कुछ हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पहले से में बिल्कुल रद्द कर दिया था इस मामले को कि हमें क्या लगे इमरान खान, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम की गरमाइश आप तक पहुंची और आपके ख्वाहिशात ये सामने आ रही है. मुझे लगता है ये ज़ुबैर साहब जो है ये अदालतों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से इंसाफ मांग रहे हैं. गो अहेड ज़ुबैर साहब, गो अहेड. मैं वो नहीं, मैं तो एक कह रहा था कि देखे इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ के तकाजा ये है कि जो 2018 में किया गया है विद द कंसेंट ऑफ इमरान खान साहब, ही वांटेड दिस टू हैपन, ही वांटेड मियां नवाज शरीफ टू बी डिस्क्वालीफाइड, पार्टी को तहस नहस तोड़ा जाए, तबाह किया जाए. मैं तो वो सब कह भी नहीं रहा. सेनेट में इलेक्शन जो 2018 में होते हैं, अभी आते हैं, अभी उसके ऊपर आते हैं.
लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान जो है, मैं जनरली ये जानना चाह रहा हूं कि आपके पॉलिटिकल असेसमेंट, क्योंकि आपने पॉलिटिकल इक्वेशंस बनानी है कि इमरान खान के एडवांटेजेस क्या हैं, हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमारे क्या हैं, तो जाहिर है पॉलिटिकल प्लानिंग आप ऐसे करते हैं। इमरान खान एन इलेक्शन के पहले अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको तमाम तर जो धचके मिले हैं, मसलन जो लॉन्ग मार्च का हाल हुआ जिसने आपने जिक्र किया, ही गेट्स अनदर विक्टिम हुड टू प्ले, बड़ा जबरदस्त कार्ड उनके हाथ में आ जाता है कि नहीं? जी, मेरा ख्याल है अगर हम तारीख देखें पाकिस्तान की, विक्टिम कार्ड इस्तेमाल हुआ है और इफेक्टिवली इस्तेमाल हुआ है। दैट इज़ वाई जो मैं पहले दफ़ा जो सीरियस आंसर दिया था उसमें मैं ये कह रहा था कि वो उनके साथ जो भी होता है वो ज़ाहिर है वो पीटीआई और इमरान खान उससे बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो घड़ी के ऊपर होता है या जो भी चीज़ है जो ब्लैक एंड वाइट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी ज़बरदस्ती उनको टिका दिया जाए और बाहर कर दिया जाए मैदान से, लेकिन उन्होंने इतनी चीज़ें की हैं कि जिसकी एक ना एक चीज़ चिपक सकती है उनके लिए और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये पॉइंट भी है कि जी उसके बाद वो कितना इफेक्टिवली करते हैं, लेकिन अगर हम 2018 देखेंगे जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे, डिस्क्वालीफाई थे, तो पीएमएलएन के सपोर्टर्स बिल्कुल पीछे नहीं हटे थे, वो आगे बढ़ के, अगर वो सब धांधली ना की जाती, आरटीएस ना बिठाया जाता, वो तमाम चीज़ें ना की जाती, तो पीएमएलएन वाज द विनर। इनफैक्ट पंजाब में आफ्टर ऑल सेड एंड डन, इतने सब होने के बाद भी पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट जो थे वो पीएमएलएन के निकले थे, सबसे ज़्यादा सीटें पीएमएलएन की थी। तो एज अ पार्टी विच हैज सफर्ड द पास, वी अंडरस्टैंड दैट कि जब तक आप मुकाबला, जो मैं कह रहा था ना पॉलिटिकल बयानियाँ, अगर हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस पर इन्हिसार करेंगे कि जी उसका वो बाहर हो जाए तो हमारे लिए मैदान साफ हो जाएगा, मेरा ख्याल है उस पर नहीं करना चाहिए, हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और ये जो लीडरशिप का जो लड़ाई होगी उनकी पार्टी में, वो बिल्कुल होगी। हमें एक एडवांटेज ये था कि नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ, तो वो एक लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी, लेकिन पीटीआई में ऐसा नहीं होगा कि हालात में तब्दीली देखिए कि आप इसको भी एडवांटेज कहते हैं। बहरहाल मैं जरा ये ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ, उसको हम वाकई संजीदगी में चाहते हैं। मती जरा ये बताइएगा कि टेरियन वाइट का जो मामला है, बहुत अरसे से ये चल रहा है, प्राइवेट महाफिल के अंदर भी बात होती है इसके ऊपर, उनकी जो वालदा थी, जो उनको अमरीकी कोर्ट से जो सर्टिफिकेशन मिली, उसका बाकायदा एसोसिएटेड प्रेस ने एक वीडियो क्लिप जारी किया, वो हमारे पास बहुत अरसे से मौजूद था जब डीक्लासिफाई किया, इसको कोई हाथ नहीं लगाता था। हम अपने मॉरल रिस्ट्रेंट के अंदर के भाई जाती मामला है, हम इसके अंदर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अब तो आपके ख्याल में हम बतौर सहाफ़ी या तजिया निगार इसको हम अवॉइड कर पाएंगे, कंसिडरिंग के कोर्ट के दरवाजे से आगे निकल गया ये? तलत, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जाती मामला को सामने कौन लाता है, वीडियोस कैसे? ओके, आई एम वेरी सॉरी, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, विल गेट योर फुल आंसर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस मामले को टेकअप करें। अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व होती है तो नून लीग की तैयारी क्या है और इमरान खान के केसेस को कितनी संजीदगी से इमरान खान और उनकी जमात को लेना चाहिए? मती, मैं सवाल कर गया, आप जवाब दे रहे थे टेरियन वाइट के हवाले से कि हम इसको क्या करेंगे, अब तो कोर्ट के दरवाजे से आगे निकल गया ये मामला। जी देखिए, कोर्ट के अंदर है अभी ये मामला और अभी प्री एडमिशन नोटिस है। ठीक। और प्री एडमिशन नोटिस मीन के इमरान खान के वकील ने पेश होके ये बताना है कि ये केस काबिल समाअत नहीं हो सकता। इमरान खान के वकील ये कहेंगे तो फिर उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो सकता। फिर सवाल ये उठेगा कि क्या ये इसलिए नहीं हो सकता कि टेरियन जेट जो है वो इमरान खान की बेटी नहीं है और ये झूठ है, या फिर ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये एक पर्सनल मैटर है, या इसलिए नहीं हो सकता कि ये मैटर इलेक्शन कमीशन सुन सकता है और हाई कोर्ट का ये दायरा अख्तियार नहीं है, तो क्या वजह है? दायरा अख्तियार की डिबेट के अंदर ही खतरनाक तरीन सवाल। मगर जब साबिक वजीर आजम का वकील एक हाई कोर्ट में पेश होता है तो अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि जो इतना बड़ा सवाल है पहले उसका मॉरल और पॉलिटिकल ग्राउंड पे क्लियर जवाब आना चाहिए कि क्या ये इमरान खान की बेटी हैं या नहीं। अगर इमरान खान के वकील इस हवाले से इस सवाल का जवाब नहीं देते अदालत में खड़े होकर भी, तो फिर सवाल ज़रूर मज़ीद उठेंगे और फिर इसमें कोई बाइद नहीं है कि इमरान खान दबाव में अपने आप को महसूस करेंगे और शायद आने वाले वक्तों में वो बहुत से फैसले ऐसे करें
कि जिनका बज़ाहिर ताल्लुक इस केस से नहीं होगा मगर ज़रूर होगा, क्योंकि अगर इस केस में इमरान खान को लेट से के झूठा हल्फिया बयान देने की पादाश में जो है वो नाहल किया जाता है तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा इमरान खान के लिए अपने वोटर्स के सामने जाके उसकी वजाहत करना कि ये झूठ था, और मतलब क्या वजाहत वो देंगे जो वजाहत आज तक नहीं दे सके। सो हम जो समझे, अभी जुबैर साहब के पास ही मामला लेके जाएंगे क्योंकि इनकी पार्टी ने बहुत सारे मामलों के ऊपर, बहुत सारे जाती इश्यूज़ के ऊपर सरफ नज़र किया है और इनकी पार्टी की स्टैंडर्ड पॉलिसी है, मियां नवाज शरीफ ने वो पॉलिसी बनाई हुई, इमरान खान की जाती इश्यूज़ शादियां वगैरह वो, अब ये शायद मुमकिन इनके लिए नहीं हो, वो सवाल इनके लिए होगा। प्रोसेस ज़्यादा ख़तरनाक है, चाहे केस लगे या दायराकार तय हो जाए कि हमारा नहीं है, तो ये सवाल तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए तलत साहब, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बात ये है कि जो पिटिशनर है उसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो ना सिर्फ यहाँ से बल्कि बाहर से भी अटेस्टेड, ड्यूली अटेस्टेड जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब उसमें एक डॉक्यूमेंट है, वो ये डॉक्यूमेंट है कि एक आया इमरान खान साहब ने जब गार्डियनशिप टैरिन जेट की खाला को दी थी, और उस हवाले से जो एफिडेविट यहाँ से दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो उसको डिनाई कैसे करेंगे? गार्डियनशिप जो है वो कोई तीसरा आदमी दे सकता है किसी और चीज़ की? जब अगर वो इन दोनों सवालों में फंसते हैं, अगर उन्होंने कहा कि अब अपने ही बयान हल्फी को क्या वो झूठा कहेंगे और इसके बरक्स कोई मौकफ़ अपनाएंगे, तो वो फिर दोबारा एक और मुख्तलिफ सवाल जो है वो उनको देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आप बात कर रहे थे ना कि जो 20 दिसंबर की डेडलाइन है, और इससे तो ये केस जो है वो बहुत जल्दी सिमट सकता है। सिमट सकता है। जुबैर साहब, आपकी जमात की पॉलिसी का हमें इल्म है, आप इन ज़ाती मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गालम गलौज का मुकाबला हो जाए तो फिर एक दो बंदे आपके पास भी हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं। लेकिन अब ये जो टेरिन वाइट का केस है, ज़ाहिर है अदालत में इस पर सवाल होंगे, तो आपकी जमात ऐसे केसेस के ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये लेगी कि हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, या जो भी अदालत फैसला करे काबिल कबूल होगा वगैरह वगैरह, बताइए। एक तो मैं इस वक्त पार्टी ने ऐसी कोई डिस्कशन की नहीं है इन रीसेंट वीक्स या लास्ट एक आध महीने में, लेकिन मैं तो डेफिनेटली नहीं करना चाहूँगा, कमेंट करना चाहूँगा, ना ही पास करना चाहूँगा कोई रिमार्क्स इस सिलसिले में, बिकॉज अगेन अगर आप इस तरह से जाएंगे तो फिर और भी चीज़ें उछलें कि इज़ दिस द वे टू डू पॉलिटिक्स। बावजूद इसके कि इमरान खान ज़ाती हमले करते रहे हैं, बावजूद इसके कि जो सबसे ज़्यादा वो सोसाइटीज़ जहाँ डेमोक्रेसी है एस्टैब्लिश्ड है, अमेरिका मिसाल के तौर पर या यूरोप में बहुत से ममालिक में, ये चीज़ें मेरा ख्याल है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एंड ऑफ द गेम हो सकती है, होती है छोटी सी बात, इससे बहुत छोटी बात पर भी। लेकिन पाकिस्तान में हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, जब मैं आपको ये बता दूँ कि जब इमरान की डाइवोर्स हो रही थी 2016 में मेरा ख्याल है, जब रिहाम खान के साथ, तो उस वक्त हमारी एक मीटिंग हुई थी और मेरा मौक़िफ ये था कि हमें ये नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, हमें इस बात पर तो क्रिटिसाइज़ हम कर सकते हैं कि डेट शोज़ द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ पर्सन हु एस्पायर्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कि वो कैसे फैसले करते हैं फॉर अ सच अ मैच्योर पर्सन, को 70 साल के या 68 साल के थे उस वक्त, और फिर 8 महीने के बाद अनफॉर्चुनेट वो तो डाइवोर्स तो हो सकती है, बट मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त भी ये क्लियर कट सबको कहा कि कोई कमेंट नहीं करेगा, उनका ज़ाती मामला है जो भी हो गया। लेकिन मेरा हालांकि नुक्ता पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था कि ये एक इंसान की फैसला साजी भी बताता है कि जी वो किस तरह से सोचते हैं। लेकिन जुबैर साहब का कलामी, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं और इनको इल्म है कि हमारी आपस में बतौर सहाफ़ी तजिया निगार क्या बहस होती है, और हम इन मामलात को बावजूद इसके कि इसके अंदर फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ही रिवीलिंग फैक्ट्स हैं, और वो मॉरल जाविये से नहीं रिवीलिंग, वो आइनी जाविये से रिवीलिंग है, वो सियासी जाविये से रिवीलिंग है, लेकिन आपकी पार्टी इसको क्यों टेकअप नहीं करेगी? क्या आप सिर्फ इसको इखलाकी जाविये से देख रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये पोलिटिकल इशू नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, 62-63 का इशू नहीं है, या क्या? पॉलिटिकली अगर और कुछ नहीं बचा, ना परफॉर्मेंस कोई डिलीवर कर रहे हैं, ना
ना उनको दिखाने के लिए कुछ है, ना उसको हिलाने के लिए जो भी उसका नैरेटिव है उसको हम नहीं ख़त्म कर सके। तो अब हमें एक ये मिला है ज़ाती उसका पर्सनल इशू, और उसको लेके फिर हम मैदान में उतर जाएं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये करना। जुबैर साहब, एक छोटा सा सवाल है आपकी, जुबैर साहब से हमारे साथ रابطہ मुनक़ता हो गया, दैट्स व्हाई ही कांट हियर यू, सो हमें दोबारा उनके साथ रिकनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप सवाल अपना तजियाती तौर पर भेजिए। देखें जुबैर साहब, तलत साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है अपने आप को इस मामले से दूर रखती है, मगर क्या ये एक हसीन इत्तेफाक है कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर है और नून लीग का वजीर कानून है, और जो शख्स उस शहरी का केस लड़ रहा है जो वकील, वो एक सिटिंग डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, और उसको लिमिटेड जो लीगल राइट हैं प्राइवेट केसेस करने के, वो बिफोर बिकमिंग डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो ये केस को परसू कर रहा था उस शहरी के लिए, और जब नून लीग की हुकूमत आई है तो उन्होंने इसको डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना दिया है। तो टेक्निकली ही इज़ अ गवर्नमेंट पेड एम्प्लॉई एज अ डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एंड ही इज़ परसुइंग दिस प्राइवेट केस जो है उस शहरी का, और ही इज़ द सिटिंग डिप्टी अटॉर्नी जनरल। तो क्या नून लीग ने किस बुनियाद पर एक ऐसे शख्स को डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ये अहम ओहदा दिया, ये भी एक सवाल है जो आई थिंक मोहम्मद जुबैर साहब इस बारे में ज़रूर इसको जवाब दें। जी जुबैर साहब, आपने मतिक का सवाल सुना या वो दोहरा दें मुख्तसरन? दोहरा दें तो अच्छा, वो बीच में फ़ोन कट के गो अहेड। मुख्तसरन ये जुबैर साहब के जो शख्स टेरियन वाइट का केस परसू कर रहा है, उसके जो वकील हैं वो हकूमत के डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर हसनैन अली रमज़ान, जो कि हकूमत ने उनको डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगाया हुआ है, और वो ये टेरियन वाइट का केस बतौर एक प्राइवेट लॉयर कर रहे थे, और आपकी हकूमत ने उनको अब डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ओहदा दे दिया है। तो क्या अब ये भी एक हसीन इत्तफाक है? है तो हसीन इत्तफाक, लेकिन आई थिंक मुझे तो नहीं पता था, मैं तो आज़म ताड़र साहब से ही इस सिलसिले में बात कर सकूंगा। आप सही कह रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट्री है, इसमें हुकूमत शुड कम आउट क्लियर ऑन दिस थिंग कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल। लेकिन आपका मानना है कि आप इसको स्केल अप नहीं करेंगे, इसी द इशू रियली इज के क्या इसको आप स्केल अप करके एक पॉलिटिकल कैंपेन प्रोपेगेंडा की सूरत देंगे जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे? वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा जरूरत ही क्या एग्जैक्टली आई वाज गोइंग टू से कि वो करें या ना करें, ये तो एक्सप्लोसिव केस है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि इस पे आप देखें ना, फिर बहुत सारी और कहानियाँ जो हैं तलत साहब, वही एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लेकिन इलेक्शन कैंपेन जब चलती है ना जी, तो फिर कुछ नहीं देखा जाता, फिर मुकामी सियासतदान को रोक नहीं सकते। फिर आप देखते हैं आपका जो 70% पाकिस्तान का जो दही कल्चर है उसके अंदर क्या नॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपने कहाँ हिट करना है, किस चीज़ को हिट करना है। तो वो ये रहने दें कि ये पॉलिटिक्स के अंदर, अगर मफरूजे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगर ये बुनियाद बनती है इमरान खान साहब की नाहली की, तो इमरान खान साहब के पास काउंटर नैरेटिव इसका क्या होगा और इनका एग्रेसिव बयानिया क्या होगा? ये चीज़ है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि टेरियन वाइट, जिसका हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जिक्र कर रहे हैं, वो एक एडल्ट और बालिग खातून है, वो अमरीकी नेशनल है और वो पाकिस्तान में नहीं रहती, और जितना भी उसको इलेक्शन का मौजू बहस हम बनाएंगे, वो बुनियादी तौर पे हम उसकी प्राइवेट ज़िंदगी में भी मुदाखलत कर रहे होंगे। ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, एक और बालिग खातून की भी शोहरत और इज्जत और रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात है। मेरे ख्याल में इस हवाले से भी हमारे को कुछ फैसला करना चाहिए, लेकिन पहले तो अभी अदालत ने फैसला करना है और उसके बाद इमरान खान ने अपने बयानिए के बारे में फैसला करना है, दैट विल सेट द टोन। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। हेलीकॉप्टर में इमरान खान ने 137 मरतबा सफ़र किया। अब KPK की हुकूमत कहती है कानून बन गया है 2008 के बाद, हेलीकॉप्टर जिस तरीके से भी इस्तेमाल हुआ सवाल नहीं पूछ सकते आप। आइए नाज़रीन, आपको अब हम लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार हुसैन बाबक साहब, जो पार्लियामानी लीडर हैं अवामी नेशनल पार्टी के। बाबक साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं बाबक साहब? जी बिल्कुल, आपकी दुआ है। लेकिन आपकी आपके सूबे की हुकूमत का हेलीकॉप्टर खैरियत से नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिल कितना अनहोना है, ज़रा नाज़रीन को आप अगर बता सकें बतौर सियासतदान जिसकी पार्टी ने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, ये कितना गैर मामूली बिल है? बिल्कुल, आपका तो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने पख्तूनख्वा को टाइम दिया।
अनहोना बिल्कुल, ये जो बिल है ये सारी हुकूमत बड़ी अनहोनी है जब से 2013 से ये हुकूमत आई है। अपनी अददी अक्सरियत को बुनियाद बना के अपनी सियासी और माली फवायद के लिए नए नए कवानीन इन्होंने बनाए, और इसी तरह जो मौजूदा कवानीन थे जिसमें जिसका आप एक कानून का जिक्र कर रहे हैं उसी कानून में तरामीम लाए। हेलीकॉप्टर के हवाले से तो हमारे सूबे में एक कानून मौजूद था कि सिर्फ वज़ीर आला और गवर्नर साहब और वो भी सरकारी जो काम होते हैं उसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते थे। चूँकि 2013 से पख्तूनख्वा में जब इमरान ख़ान को लाया गया तो उसी दिन से ले कर आज तक रक्षे की तरह हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते रहे, और अभी पिछले 5 साल में तो हम देख रहे थे कि हर रोज़ यहाँ से पख्तूनख्वा की जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से उठ के बनीगाला से उसको उठाते थे, कभी चतराल में ले जाते थे जलसे के लिए, कभी करक में ले जाते थे जलसे के लिए, और कभी चारसद्दा में और सारे सूबे में। और हमने देखा कि इसी पे जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, फिर अदालत में बात चली गई, इलेक्शन कमीशन नोटिस दिए, तंबीह किया, जुर्माने लगाए, उनको ऑफिस बुलाए, और फिर जाहिर है जब एक बात इतनी बड़ी उछाली गई एक तरह से जो हकीकत है कि नाजायज़ तौर पे जो इस्तेमाल करते थे, तो पख्तूनख्वा जो हमारी असम्बली है जाहिर है ये कानून साज असम्बली है, और ये कानून साज असम्बली में जब इन्होंने अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पे दो तरामीम लाए, उन तरामीम में ये है कि अब ये हेलीकॉप्टर कोई मुशीर, कोई सरकारी अफसर, कोई एडवाइज़र वो इस्तेमाल कर सकेगा। इसी तरह सेकंड जो तरमीम है, अपने आप को ईमानदार कहते हैं और सुबह शाम दूसरों को चोर चोर से पुकारते हैं, 2008 से इन लोगों ने इसीलिए डाला था कि लोगों को ये शक ना पड़े कि इनकी हुकूमत 2013 में आई है, तो 2008 से इन्होंने एक तरमीम लाए कि इसका इस्तेमाल जिस तरह भी हो, तफरीह के लिए हो, किसी भी मकसद के लिए हो, यानी हमने नेप पे, एंटी करप्शन पे, बाकी जो एहतसाबी इदारे हैं इन्होंने इसी कानून को बलडोज किया, तरामीम ले आए और उन तमाम एहतसाबी इदारों के रास्ते बंद कर दिए कि आप लोगों ने पूछना नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर पे कितने अखराजात आए हैं, किसने यूज़ किया। बाबक साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, बाबक साहब के आपके लिए क्या ये शौक था कि ये कानून इस तरीके से लाया गया, या आप सुन रहे थे कि इस किस्म का कानून तैयार किया जा रहा है, एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बुलडोज कर दिया गया, इसके ऊपर डिबेट तो ज़ाहिर है फिर नहीं हुई होगी, कितने वक्त में पास किया गया और उसके बाद असेंबली में क्या हुआ, ज़रा इसके ऊपर भी रहनुमाई फरमाइएगा। गो अहेड। हाँ बिल्कुल तलत साहब, एक तो पार्लिमानी जो उमूर हैं या जो पार्लिमानी बिजनेस हैं उनके पार्लियामेंट्री नाम्स हैं, जिसको हम पार्लिमानी रवायात कहते हैं। कवानीन जब बनते हैं तो ज़ाहिर सूबे के लिए जब हम कोई कानून बनाते हैं या कोई कानून में तरमीम लाते हैं तो इसका ये मतलब ये होता है कि हम 4 करोड़ अवाम के लिए एक कानून बनाते हैं, और ये सारी उम्र के लिए कवानीन जो है वो बनते हैं, ज़ाहिर प्लस माइनस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अवामी मफाद की खातिर करते रहते हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि इस कानून को स्टैंडिंग कमेटी में ले आते, वहाँ पे तमाम सियासी जमातों के मेंबर्स होते हैं, फिर हम स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, थ्रेड बेयर डिस्कशंस होनी चाहिए थी, ला में वेट करना चाहिए होता है, फाइनेंस का मैटर है तो फाइनेंस की इनपुट लेनी चाहिए। इसी तरह पार्लिमानी नाम्स ये भी हैं कि जो पार्लिमानी जमातें पार्लिमान से बाहर होती हैं उनका इनपुट भी लिया जाता है, क्योंकि कानून जब बनता है या कानून में जब तरमीम हम लाते हैं वो ज़ात के लिए नहीं लाते हैं। लेकिन इन्होंने जब मैंने लफ्ज़ बलडोज यूज़ किया,
इन्होंने तो सूबे के लिए नहीं बनाया, नहीं 4 करोड़ आवाम के लिए बनाया। यहाँ तो लोग पाकों से मर रहे हैं, यहाँ तो लोग आज भी आटे के लिए कतारों में खड़े हैं, यहाँ पे तो आज भी लोग अपनी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं खरीद सकते। लेकिन बाबू साहब लोग ये भी कहेंगे, मैं एदाद शुमार की बात कर रहा हूँ, एक एक जो मेरे सामने फिगर है वो हैरान कन फिगर है, लेकिन इस्तेमाल इमरान खान अपने दिफा में कर सकते हैं कि इमरान खान के अलावा तकरीबन 1800 लोगों ने यह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। तो उनके पार्टी के लोग कहेंगे जी कि इमरान खान ने अगर इस्तेमाल कर लिया तो क्या गुनाह किया? नहीं नहीं तलत साहब, ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद होता है, हमने 5 साल हुकूमत की है, हम रिकॉर्ड तो अपने घर नहीं ले गए हैं ना, ये इसका मिनिस्टर ले आए ना कि अस्पंदियार वली खान साहब कौन से जलसे में गए हैं। मैं मुझे जब याद पड़ता है अमीर हैदर खान होती, जब जाहिर है इसी सूबे में जब हमने यूनिवर्सिटियों का जाल पहनाया, जाल पहनाया क्योंकि ये हमें 100 साल तारीख में विरासत में ये काम मिला था कि हम तालीम को आम करेंगे। अस्पंदियार वली खान साहब बादशाह खान के नवासे हैं, इनागोरेशन के लिए 2-3 प्रोग्राम्स में अगर वजीर आला के साथ अस्पंदियार वली खान साहब गए हों, उसके अलावा आप मुझे बता नहीं सकते। यहाँ तो सारी दुनिया देख रही है कि यहाँ से हेलीकॉप्टर उठते हैं, वहाँ बनीगाला से उसको उठाते हैं, सारी मीडिया देखती है, सारी दुनिया देखती है, और हेलीकॉप्टर से, यानी आप ये अंदाज़ा करें कि जब इमरान खान साहब सीएम हाउस में होते हैं तो चारसद्दा जो कि हमारी अपनी गाड़ियों में 25 मिनट का रास्ता है, वहाँ भी इन्होंने हेलीकॉप्टर यूज़ किया है। तो ये तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि अभी आवाम की आंखों में वो धूल मचाने वाली बात होगी, और वो उर्दू की जो प्रोवर्ब है कि जो चोर मचाए शोर वाली बात है, जो वो बड़े धड़ल्ले से सुबह शाम कहते रहते हैं और उसकी वजह से, लेकिन ये तो बड़ी छोटी करप्शन है तलत साहब, ये बड़ी छोटी करप्शन है। इसने जो पख्तूनख्वा में हेल्थ डिपार्टमेंट में MTI के ज़रिए गैर आइनी इकदाम किए और एग्जीक्यूटिव के अख्तियार अफराद को दिए, और वो अफराद कौन हैं, इनके रिश्तेदार हैं, एक फ़र्द को लेडी रीडिंग अस्पताल के अरबों रुपया के इख्तियार दिया, इंतजामी इख्तियार दिया। इसी तरह आप देखिए, अच्छा मैं इसके ऊपर बाद में एक प्रोग्राम कर सकता हूँ कि KPK के अंदर बाकी मामलात क्या हैं, लेकिन अब बिल्कुल 30 सेकंड में बताइएगा मुझे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, कि अब हम इसको हायर कर सकते हैं अगर मैं बतौर प्राइवेट पार्टी, उन्होंने रकम लिखी है कमर्शियल रेट के मुताबिक 6,39,02,000 रुपये जमा कराऊं तो मैं KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकता हूं कमर्शियल रेट पे? तलत साहब आप सीनियर एंकर पर्सन हो, ये मेरे और आपकी हायर करने के लिए तरमीम नहीं हुई है, नाजायज़ को जायज़ जामा पहनाने की जायज़ पहनाया गया और वो उसके पास अददी अक्सरियत थी, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, हमें उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। इसने तो अपने नाजायज़ इस्तेमाल को, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को जायज़ बनाया, वो भी असम्बली में अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पे, वरना ये जस्टिफाई कर सकता है, इसका कोई मिनिस्टर मेरे सामने ले आओ ना। ये जो सुबह सुबह ईमानदारी का रेट इन्होंने लगाया हुआ है, पख्तूनख्वा को इन लोगों ने लूटा, पख्तूनख्वा को इन लोगों ने दोनों हाथों से लूटा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस्लामाबाद लाहौर और कराची बेस्ड मीडिया से कि वो पख्तूनख्वा को टाइम दे दे, पख्तूनख्वा को तो इन लोगों ने कंगाल कर दिया है, यानी कुलेआम लूट रहे हैं, इसम्बली की सूबाई इसम्बली की एक एक पोस्ट 70-70 लाख में बिकी है। अगर PTI का बस मैं कर सकता हम आते हैं बाबक साहब KP आते हैं, आएंगे जाहिर हम गाड़ी पर ही, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो तो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने, लोग सुबह सुबह अपने प्यारों को गुलदस्ते भेजते हैं, परवेज इलाही साहब इमरान खान को ट्वीट भेज रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कराची लिए चलते हैं, शायान हमें बता रहे हैं कि आज इस वक्त तक क्या ट्रेंड हो रहा है। जी शायान जी, देखें सलत साहब, हमने कुछ स्पेशल ट्रेंड्स लिए हैं। सबसे पहले एक जो ट्रेंड चल रहा है वो है मुर्शिद घड़ी चोर। ये घड़ी का वक्त लगता है ट्रेंड पर रुक गया है, और वैसे तो वक्त बहुत अहमियत का हामिल होता है, मगर इस ट्रेंड से ये वक्त हट के नहीं दे रहा। तकरीबन 10 घंटे से ये ट्रेंड कर रहा है और अब तक इस पर 75,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। दूसरा जो ट्रेंड डिस्कस हो रहा है वो है PTI चला रही है चोर हटाओ मुल्क बचाओ।
ये भी गुज़िश्ता रात से शुरू हुआ है और उस पर तकरीबन 70,000 ट्वीट हो चुके हैं और हर घंटे में इसमें 300-400 ट्वीट्स का इजाफा हो रहा है। तीसरा ट्रेंड है फासिस्ट हुकूमत मुआशी तबाही। इसमें PDM की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इनकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट में कमी आ रही है और दीगर इनकी नाकामियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। एक और ट्रेंड है वो सक्खर, जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने संगे बुनियाद रखा है सक्खर हैदराबाद मोटरवे का, वो भी ट्रेंड हो रहा है क्योंकि ये एक ऐसा मनसूबा है इसके बाद पाकिस्तान और जो कह सकते हैं हम पेशावर और कराची तक पूरा मोटरवे से कनेक्ट हो जाएगा, तो इस पर भी 10,000 से ज़ायद ट्वीट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया शायन। आपने सलमान शहबाज जब वापस आया तो सोशल मीडिया पर PTI की तरफ से बड़ी उन पर तनकीद की गई, कुछ आपके सामने हम ट्वीट्स रख देते हैं। आमिर ज़िया जिनको हम प्रोग्राम में दावत देंगे कल, उन्होंने ट्वीट किया और सलमान शहबाज के इस बयान के ऊपर उनको आड़े हाथों लिया कि इमरान खान चोरियाँ करता रहा घड़ी का हिसाब दे, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया जो इस वक्त आपके सामने है। और भी ट्वीट्स हैं जिसमें सलमान शहबाज को इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि शरीफ खानदान के अंदर जो बड़े मसाइल हैं इनकी वजह से और उनके जो दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको भी सामने लाया गया। परवेज़ राय साहब का मैंने आपको बता दिया, वो रोज़ाना इमरान खान को एक ट्वीट के साथ ग्रीट कर रहे हैं, वो बार बार उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ट्वीट्स जो है वो पॉलिसी नहीं होते। परवेज़ राय साहब को भी पता है कि इमरान खान ट्वीट से खुश हो जाते हैं लेकिन अंदर खाने उनकी सियासत यही है कि आपकी असम्बली किसी ना किसी तरीके से वो चलाते रहें, तो ट्वीट्स वो भिजवाते रहेंगे, अपनी सियासत बहरहाल वो जारी रखेंगे।